विषय कहना चाहूंगा जो संसद में भी इंटरनल सिक्योरिटी की बहस में हम लोगों ने उठाया था। रामदेव जी जब रामलीला मैदान में अनशन कर रहे थे तो सुरक्षा को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, वहां से उनको इजेक्ट किया गया और लाठीचार्ज किया गया, लोगों को चोटें आई। 16 तारीख से श्री अन्ना हजारे अनशन करना चाहते हैं जंतर मंतर पे, उनको अनुमति नहीं दी जा रही कि कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। दिल्ली बीजेपी का उदाहरण दिया गया, कल युवा मोर्चा का उदाहरण दिया गया, दोनों बार डिस्प्रोपोर्शनेट और एक्सेसिव शो ऑफ फोर्स किया जिसमें दर्जनों लोगों को चोटें आई। इसकी आप तुलना कीजिए जब दिल्ली में और नई दिल्ली में अलगाववादियों का सम्मेलन हुआ था, केवल कश्मीर के अलगाववादी नहीं, अलग अलग विचारों के अलगाववादी दिल्ली में एक सम्मेलन के लिए इकट्ठे हुए और उस सम्मेलन में हर एक व्यक्ति ने भाषण दिया कि यह देश क्यों टूटना चाहिए। और उस वक्त यह मांग उठी कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं आप इनके इस सम्मेलन को क्यों नहीं रोक सकते। ये चारों घटनाओं की तुलना में जहां 3 में इतना अधिक लाठीचार्ज हुआ, लोगों को चोटें आई, 4th की अनुमति नहीं दी जा रही और अलगाववादियों के सम्मेलन के संबंध में गृह मंत्री जी ने यह कहा यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, देश को तोड़ने की बात करने का उनको अधिकार है और इसलिए मैं आवश्यक नहीं समझता हूं उनके ऊपर लाठीचार्ज करूं। लेकिन अगले दिन जब कश्मीरी पंडितों के कुछ संगठनों के लोग उस सम्मेलन के विरोध में गए तो ठीक उनके ऊपर फिर लाठीचार्ज हुआ। सच में इनकी नीति क्या है इस संबंध में वो समझ में नहीं आ रही। एकमात्र विरोध जिसके प्रति वो उदारवादी रहे हैं वो अलगाववादियों का था, बाकियों को ना अनुमति देंगे और अनुमति दी तो लाठीचार्ज करेंगे। मुझे केवल जो सुषमा जी ने कहा उसके संबंध में इतना ही कहना।